न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों से महामंथन शुरू, पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान। उत्तर प्रदेश के 37 विभागों में 32,800 पद खाली, सीएम योगी ने दिए 6 महीने में भरने के निर्देश। सीएम गहलोत का स्टूडेंट्स को तोहफा, सैनिक स्कूल के लिए आय सीमा और छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही हालात संभालने की कमान पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में संभाल ली है। वे कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत ममता बनर्जी, विजय रूपानी, अरविंद केजरीवाल समेत कई सीएम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। इस बैठक में वैक्सीन के वितरण और महामारी से निपटने की रणनीति पर चर्चा होनी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 32,800 पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी पदों पर 6 महीने में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल भर्ती आयोग ने रिपोर्ट दी है कि कई विभाग ऐसे हैं जो नई भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग में पद खाली है। जहां हजारों पद खाली चल रहे हैं, वहीं 29 विभाग ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत स्टूडेंट्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और आय श्रेणी में संशोधन करने का बड़ा फैसला किया है। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे राजस्थान के स्टूडेंट्स को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के साथ छात्रवृत्ति राशि 10,000 से 25,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 से 37,500 रुपए की जाएगी। सीएम ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की वार्षिक पारिवारिक आय 1,20,000 रुपए तक होने पर पूर्ण छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षण शुल्क के लिए 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। अब पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3,00,000 रुपए देय शिक्षण शुल्क की छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि कर उसे 37,500 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार 3/4 छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों की वर्तमान पारिवारिक आय सीमा 1,20,000 से 1,80,000 रुपए वार्षिक को संशोधित कर 3,00,000 से 5,00,000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। अब 3/4 छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृत्ति राशि 20,000 रुपए की बजाय 30,000 रुपए देय होगी। और अब खबर अलवर जिले से। नारायणपुर कस्बे में स्थित करीब 16 वर्ष पहले बंद हुए लाखों रुपए की लागत से निर्मित सेठ सूरजमल गर्ग मातृ शिशु कल्याण केंद्र भवन का उपयोग नहीं होने पर जर्जर अवस्था में होकर ताला लटकाकर बंद पड़ा हुआ है। चिकित्सा विभाग की अनदेखी के कारण इस भवन का उपयोग नहीं होने पर भवन जर्जर स्थिति में बना हुआ है। जानकारी के अनुसार नारायणपुर तहसील के सेठ जगदीश प्रसाद गर्ग व महेश चंद्र गर्ग ने अपने पिता सेठ सूरजमल की स्मृति में मातृ शिशु कल्याण केंद्र के लिए करीब 6,050 वर्ग फीट में 15 मार्च 1986 में बहुत बनवाकर राज्य सरकार को दान दिया था। राज्य सरकार ने 18 अप्रैल 1990 में सेठ सूरजमल गर्ग मातृ शिशु कल्याण केंद्र को संचालित कर दिया गया था। करीब 14 वर्ष कस्बे के ग्रामीणों को चिकित्सा सेवा देने के बाद कुछ कारणों के चलते मातृ शिशु कल्याण केंद्र 2004 में बंद हो गया। इसके उपरांत करीब 16 वर्ष बीत जाने के बाद इस भवन का उपयोग नहीं होने पर जर्जर अवस्था में होकर ताला लटका हुआ है। भामाशाह ने सरकार से कोई भी सार्वजनिक हित कार्य में भवन का उपयोग लेने की अपील की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि
शिशु चिकित्सालय जैसी मूलभूत सुविधा तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन नारायणपुर तहसील मुख्यालय बनने के बाद भी स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं शिशु चिकित्सक लगवाने एवं राज्य सरकार को भामाशाह द्वारा दान किए गए सेठ सूरजमल गर्ग मातृ शिशु कल्याण केंद्र का जीर्णोद्धार करवाकर सुचारू रूप से चलवाने और चालू करवाने के लिए मांग की गई। अरब खबर अजमेर जिले के किशनगंज क्षेत्र से ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई। हरमाड़ा चौराहे के निकट बाइक सवार युवक जा रहे थे, इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रॉले ने बाइक के टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार दो घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से यज्ञ नारायण हॉस्पिटल लाया गया, जहां दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घायलों के शव को राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। और अब खबर जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र से। जिले भर में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी आलाकमान द्वारा बनाए गए जिले के पर्यवेक्षक कृष्णाराम बिश्नोई ने पिछले 2-3 दिनों से जिले में जनसभाएं कर कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। सोमवार को सांचौर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा कर जनसभाएं की गई। दौरे के दौरान पर्यवेक्षक व लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी, किसानों, गरीबों व मजदूरों की पार्टी है और हर संभव लोगों की समस्या सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। सीए सत्येंद्र साहू ने कांग्रेस सरकार को मजबूत करने की कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कही गई। सोमवार को पर्यवेक्षक कृष्णाराम बिश्नोई ने सांचौर के हरियाली चौरा, करावड़ी, मालवाड़ा, परावा, सिवाड़ा, रनोदर, फांटा, डीएस ढानी, आंबा का गोलिया व तेतरोल आदि गांव में जनसभाओं का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। जिले में क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे को प्रभारी बना रखा है, जिला प्रभारी, मैं लगातार 3 दिन से गांव गांव जनसंपर्क कर रहा हूं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए। पूरी 10 पंचायत समिति में आज 3 पंचायत समिति के मतदान हो रहा है। आहोर, जालौर और सायला के लिए मतदान हो रहा है और शेष पंचायत समिति चितलवाना, सांचौर के लिए मैं कल से जनसंपर्क में हूँ और आज मैं लगातार जनसंपर्क हूँ। कल मैं भीनवार रानीवाड़ा में भी जनसंपर्क में रहूँगा। निश्चित रूप से जालौर जिले में जिला प्रमुख कांग्रेस का बनना, बोर्ड कांग्रेस का बनने जा रहे हैं और 10 पंचायत समिति में कांग्रेस के बोर्ड बनाए जा रहे हैं। जनता का फीडबैक मिल रहा है आपको? अच्छा फीडबैक मिल रहा है, सारा तमाम पूरे जिले के मैंने फीडबैक लिया है। 90% सरपंच पिछले चुनाव में कांग्रेस विचारधारा के जीते और अच्छा फीडबैक है, लोगों का अच्छा रुझान है, अच्छा माहौल है कांग्रेस प्रति, पार्टी के प्रति, सरकार, प्रदेश सरकार के प्रति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल से जो जन कल्याणकारी योजना जनता के लिए, 36 कौम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लाए, उसके लिए जनता बड़ी खुश है। चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, सड़कों का हो, निःशुल्क दवाई का हो, खाद्य सुरक्षा का हो, लोगों के बूढ़े बुजुर्गों को पिछले सरकार ने जो पेंशनें कम कर दी थी, स्कीमें करके कम कर दी थी, खाद्यान्न सुरक्षा के नाम लोगों के काट दिए गए थे, वापस नाम जुड़े हैं, लोगों को 2 रुपये के लिए गाँव मिल रहे हैं, पेंशन मिलने लोगों को शुरू हो गई है, इसलिए दवाई लोगों को मिलने निःशुल्क मिलने शुरू हो गई है और कोरोना को लेकर के जो गांव और ढाणी में जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की है उसको भी लोग सराह रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति और निश्चित रूप से जालौर जिले के अंदर पुनः कांग्रेस मजबूत होने जा रही है। इसलिए मैंने पूरी जालौर जिले का दौरा कर रहा हूं और कल तक अगले 5 तारीख को अंतिम चरण तक मेरा दौरा यहाँ लोगों जनसंपर्क के लिए जारी रहेगा। तमाम जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी टीम मेरे साथ लगी हुई है,
लगातार किसी तरह का कोई जिले के अंदर कोई पार्टी में गुट नहीं है, कोई विधानसभा क्षेत्र में कोई गुट नहीं है। सब कांग्रेस की टीम एक साथ एकजुट होकर काम कर रही है, निश्चित रूप से कामयाब। और वहीं 12 जिला के शाहबाद कस्बे रिपीट और वहीं 12 जिले के शाहबाद कस्बे में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 3 मोटरसाइकिलों को चुराकर चोर फरार हो गए। साथ ही चोरी का प्रयास भी किया, लेकिन कोई सामान हाथ नहीं लगने से अन्य सामान चोरी होने से बच गया। लेकिन मकान के अंदर खड़ी 3 लोगों की मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चुरा ले गए। शाहबाद क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सख्ती नहीं करने के कारण चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। 3 पीड़ितों ने चोरी हुई मोटरसाइकिल की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी है। और वहीं जालोर जिले में प्रथम चरण चुनाव के तहत जालोर आहोर व सायला पंचायत समिति में सोमवार को शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोमवार को 3 पंचायत समितियों के संपन्न हुए चुनाव में 156 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। चारों चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद 8 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। अब नजर डालते हैं पंचायत समिति वार मतदान पर। सबसे पहले जालोर पंचायत समिति, यहां कुल 1,23,832 वोटर हैं, जिनमें से 55,325 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। यहां 44.68% मतदान हुआ है। सायला पंचायत समिति में यहां कुल 1,96,858 वोटर हैं, जिनमें से 93,814 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यहां कुल 47.67% मतदान हुआ है। आहोर पंचायत समिति की बात करें तो यहां कुल 1,74,368 वोटर हैं, जिनमें से 84,312 मतदाताओं ने मतदान किया है। यहां पर कुल 48.35% मतदान हुआ है। 3 पंचायत समिति में सबसे ज्यादा मतदान आहोर पंचायत समिति में 48.35% और सबसे कम जालोर पंचायत समिति में 44.68% मतदान हुआ है। पंचायती राज चुनाव से संबंधित अब चुनाव प्रक्रिया चालू है और इस संबंध में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सचेत होकर के चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं को सुरक्षित वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही हमारी टीमें बूथ के बाहर बैठ के स्कैनिंग कर रही है और सैनिटाइजर का यूज़ कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एडवाइस करती जा रही है। स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।